और खाने और खाने ले, तुझे तो अभी बताती हूँ। कंप्लेंट करेंगे? कंप्लेंट करेगी? हमारी भारतीय संस्कृति में आलती पालती मार कर बैठ के खाना खाना सिखाते हैं। सुन छोटी, हमारा रेस्टोरेंट बस यही पर है, तू एक काम कर, रेस्टोरेंट में जाके बैठ, मैं एक छोटा सा काम निपटा कर रहा था। ठीक है? हाँ ठीक है भैया। हाँ, और कोई भी दिक्कत हो ना तो वेटर को बोल दियो, वो सब अरेंज करवा देगा, खाने से लेके पीने से लेके जो भी हो। हाँ ठीक है भैया, मैं जल्दी जाके कुछ चाइनीज ऑर्डर करती हूँ, मेरा मन कर रहा है चाउमीन खाने का। तेरा जो मन करे वो खाइयो तू, अब जा जल्दी। हाँ ठीक है भैया, आप आ जाना टाइम से। ठीक है, बाय। हेलो। हाँ हाँ, बड़ा अच्छा लगा, सुकून मिला। नमस्ते, चाउमीन खाऊंगी, चाउमीन चाउमीन ले आओ। ठीक है मैम, मैं चाउमीन ला। ठीक है। खाना नहीं आता है क्या? ये किस तरीके से खाना खा रही हो? क्या हो गया मैडम, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? हाथ से तो खाना खाती, हाथ से खा रही हूँ। हाथ से खाना खाते तो ये चम्मच इसलिए दी तुम्हें? हाँ मैडम, ये कांटा वाला चम्मच से हमें खाना नहीं आता। खाना नहीं आता है ना, खाना ही नहीं मिलेगा तुम्हें, निकलो यहाँ से बाहर। मैडम हम इसका पैसा देंगे, हमें खाने दीजिए, चाउमीन हमें बहुत पसंद है। ऐसे पैसे हमें नहीं चाहिए, निकलो यहाँ से बाहर। मैडम आप इतना गुस्से में काहे बात कर रहे हो, आराम से, थोड़ा आराम से, गुस्सा नहीं। हाँ हम खाना ही खा रहे, खा के चले जाएंगे आराम से। इसे देखो बैठी तो कैसे महारानियों की तरह, पैर ऊपर करके, ऐसे कोई बैठता है गवारों की तरह। हमें तो यही सिखाया बचपन से कि चौकड़ी मार के बैठ के खाना खाना चाहिए और हाथ से खाना खाना चाहिए। यार ये कहाँ से उठ के आ गई है, बिल्कुल गवारों के जैसे बात कर रही है। गवारों की तरह नहीं, हम गाँव से आए हैं, यूपी से आए हैं। तभी तभी ये हुलिया है तुम्हारा, ये साड़ी पहनकर, ये खाने का तरीका नहीं है, हाथ से खाना खा रही हो, बोलने का तरीका नहीं है, क्या समझती क्या अपने आपको? अगर गांव से आई हो ना, जाकर ढाबे पर खाओ, यहाँ इतने बड़े रेस्टोरेंट में नहीं। क्योंकि यहाँ पर ना तो इसे ये गंदी साड़ी पहनी जाती है, और ना ही ऐसे खाना खाते और ना ही ऐसे बैठते हैं। अरे जानवरों की तरह खा रही हो, तो जानवरों की बेइज्जती कर रही हूँ, जानवर भी तुमसे अच्छे से खाना खाते हैं, समझ में आया? देखिए मैम चिल्लाइए मत, सब लोग हमें देख रहे हैं, थोड़ा प्यार से बात करिए हमसे। इस तरीके से कैसे बात करिए, हाथ से खाना खाना कोई जुल्म की बात है का? हम हाथ से खाएं, हमारे घर में सब शुरू से हाथ से खाते हैं, मैं इसी कर रही हूं। और साड़ी साड़ी तो इतना सुंदर पहन के आए, हमारी मम्मी दी है हमको, बोलिए बेटा बहुत सुंदर साड़ी है, रानी बिटिया लग रही है उनकी। सच चीप पीपल। क्या बोली तुम, कुछ इंग्लिश में गाली बक रही हो तुम सब? हम बोल रहे थे हमको प्यार से बात करिए, हम खाना तो खा रहे हैं, तो क्या दिक्कत कर दिए? और हमारे साड़ी को कुछ बोलिए मत, ठीक है? हमारे गांव में हर कोई साड़ी पहनता है, हाथ से खाते हैं और चौकड़ी मार के बैठते हैं, तो क्या गलत कर दिए हम? तुम्हारे गांव में सब साड़ी पहनते हैं ना? हाँ। तो जाओ अपने गांव जाओ, निकलो यहाँ से। एक्सक्यूज मी, हम तो प्यार से बात करिए, ठीक है? हमको भी इंग्लिश आता है। हाँ इंग्लिश आती है? हाँ। अनपढ़ गवार कहीं की, अभी समझ में तो आया नहीं मैंने बोला क्या, और ऊपर से मुझसे बहस कर रही है। मेरी बात सुन, हमारे रेस्टोरेंट में ना कोई ऐसी गवारों वाले कपड़े पहन के नहीं आता, और ना ही जाहिलों की तरह खाता है। तो बात सुन कान खोल कर, निकल अभी के भी यहाँ से बाहर। गवारों वाला कपड़ा था, सुंदर साड़ी पहन के आए, हमारी मम्मी दी है, और हाथ से खाने को गवारों वाला खाना, गवारों वाला करी, और गांव के लोग गवार होते हैं आपकी नजर में? बताइए तुम सब कैसे कपड़ा पहने हो, अजीब अजीब सा अतरंगी तरीके का। हाँ हम भी आपको बोले कि अजीब सा कपड़ा हमारे घर में जोकड़ वाले पहनते हैं, सर्कस दिखाने आते हैं, तो तुम सबको हम तुम बहुत बोल रही है, बहुत बोल रही है, अपनी जुबान ना बंद कर, समझ में आया? हमसे ऐसे बात कर रहे हैं, हम प्यार से बात कर रहे हैं इनसे, बदतमीजी में बदतमीजी करी जा रही है। मैडम देख लीजिए, हम आपके रेस्टोरेंट पे कंप्लेंट करेंगे। हाँ कंप्लेंट करेगी तो दो टके की लड़की हमारे रेस्टोरेंट पे कंप्लेंट करेगी? हम हाथ भी उठाएं, अब देखना। हाँ हमें चाउमीन खाने नहीं दी, इतने शौक से खा रहे थे, सारा मजा किरकिरा कर दिया हमारा। निकले यहाँ से, हम नहीं जाएंगे कहीं, हम यही खाएंगे। अच्छा बात नहीं मानेगी मेरी, खाना खाना है ना अपने तरीके से, तुझे तेरे तरीके से खाना खिला, ले खा खा, और खाने और खाने ले ले खा खा इसे। कैसा लगा, खा लिया? कितनी ढीठ है, बेशर्मों की तरह अभी भी खड़ी है यहाँ पे। ऐसे बदतमीजी करे ना हमारे साथ, छोड़ेंगे नहीं कभी, देख लेना तू, अभी आने तो रुको, हमारे भैया को उनको बताएंगे हम। क्यों तुम्हारे भैया कहीं के प्राइम मिनिस्टर है, जिनके आने से हम डर जाएंगे? हाँ हाँ, प्राइम मिनिस्टर से कम नहीं, हमारे भैया हीरो है हमारे लिए। अभी रुको,
आते होंगे। तुम्हारी बकवास सुन के ना मैं थक गई हूँ। खड़ी हो, निकल यहाँ से। हम नहीं जाएंगे, हमारा हाथ छोड़िए। जाती है या मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊं? निकल निकल, समझ में नहीं आता है क्या? हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारे भैया को आने दो। तुम्हें दे दो, सजा दिलाऊंगी तीनों को। हाँ अच्छा, तू दो कौड़ी की लड़की हमें सजा दिलाएगी? अच्छा तुझे तो अभी बताती हूँ। भैया देखो हमारे साथ क्या कर रही है, हमारा हाल तो पूरा कर दी, हमारा पूरा चौमिन बर्बाद कर दिया, खाने नहीं दिया, हमें मारा भी। तुम ऐसे बिहेव करते हो अपने कस्टमर के साथ? सर ये आपकी बहन है। भैया मिर्ची लग रही है बहुत। लो बहन इसे साफ करो। तुम लोगों के अंदर बिल्कुल इंसानियत नहीं है क्या? कैसा बिहेव करते हो तुम किसी के साथ भी? I'm sorry सर, मैंने तो सिर्फ अपने रेस्टोरेंट के लिए ये सब किया। आपको तो पता ही है हमारा रेस्टोरेंट इस शहर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है, और मैं नहीं चाहती थी कि ऐसे लोग हमारे रेस्टोरेंट में आए। हमारे रेस्टोरेंट की इमेज का सवाल है सर। ऐसे लोग मतलब मेरी बहन तुम्हें इंसान नहीं लगती, जानवर लगती है कैसे? नो सर, मेरा वो मतलब नहीं था। देखिए मुझे पता नहीं था कि आपकी बहन है। अच्छा ये मेरी बहन नहीं होती, कोई और होती तब भी तुम इसके साथ यही करती? I'm sorry sir, extremely sorry for that. मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। I'm sorry ma'am. एक बात बताइए भैया, आलती पालती मार के बैठ के खाना कोई गुनाह है क्या? नहीं सर, वो ना ऐसी खा रही थी, मतलब इरिटेटिंग सा लग रहा था, सारे कस्टमर परेशान हो रहे थे, इसलिए हमने ऐसा किया। चुप करो तुम तीनों, कुछ भी अपने आप से बोले जा रहे हो। तुम लोगों को क्या पता कि कैसे खाना चाहिए कैसे नहीं खाना चाहिए? तुम लोगों ने वेस्टर्न कल्चर के गुलाम बनते बनते ना अपनी भारतीय संस्कृति बिल्कुल भूल चुके हो। तुम लोगों को पता है ऐसी बीमारियां तुम लोगों को क्यों होती है? ब्लोटिंग हो गई, गैस हो गई, या फिर पेट की जितनी भी बीमारी होती है, इसलिए क्योंकि हम लोग कुर्सी पर बैठ के खाना खाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में आलती पालती मार कर बैठ के खाना खाना सिखाते हैं, ताकि हमारा पेट भी ठीक रहे और हम भी ठीक रहे। लेकिन तुम लोगों को ये सब कहाँ पता होगा, क्योंकि तुम लोग तो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हो। कॉन्वेंट स्कूल में तो यही सिखाया जाता है कि बस वेल मेंटेन रहना है, ऊपर ऊपर से अंदर से हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स चाहे डैमेज हो जाएं। तुम लोगों को ये कभी सिखाया नहीं गया, क्योंकि तुम्हारे माँ ने तुम्हें बस यही सिखाया, दो चार शब्द अंग्रेजी के सीख लो, उसके बाद उल्टे सीधे कपड़े पहन लो और अपने आप को हाई एजुकेटेड दिखाओ। अगर कोई इंडियन वियर पहन रहा है तो वो बेकार है, वो गवार है, यही सिखाया ना तुम लोगों ने? अरे ये हमारे देश का संस्कृति है, सभ्यता है, साड़ी पहनना। तुम लोगों की नजर में क्या, ये छोटा छोटा कपड़ा पहन लेती तो हम तुम्हें जज नहीं करते। सबकी अपनी अपनी पर्सनल कॉल है, वो कुछ भी पहन सकता है, सबका अपना मौलिक अधिकार है। तुम लोगों को भी अपना अधिकार मिला हुआ, हमें भी अपना अधिकार मिला हुआ। हाथ से खाना कोई गुनाह नहीं होता, साड़ी पहनना कोई गुनाह नहीं होता। I'm sorry. हम तीनों आपसे माफी मांगते हैं। एंड सर आई प्रोमिस कि आज के बाद हम कभी किसी को ऐसे से पूछिए, माफी मांगने से हमारा इज्जत वापस आ जाएगा जो बेइज्जती करे हमारे इतने सारे लोगों के सामने। तुम्हारी मम्मी भी गाँव की है ना, वो भी साड़ी पहनती है। तुम घर जाकर अपनी मम्मी के साथ भी ऐसे बिहेव करती होगी, है ना? नो सर। क्यों, तुम्हारी मम्मी के अंदर तुम्हें मम्मी दिखती है? तुम्हारी मम्मी इंसान है और मेरी बहन इंसान नहीं है? मुझे तो खुद पर शर्म आती है कि मैंने कैसा स्टाफ हायर कर रखा है, जिनके सिर्फ लुक्स देखे और एजुकेशन देखी मैंने। मैनेज तो इनके अंदर बिल्कुल है ही नहीं कि कैसे दूसरे इंसान को ट्रीट किया जाता है। सर मैम I'm sorry, हमसे बात मत करिए। सर देखिए हम, तुम तीनों यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। मुझे ऐसा स्टाफ बिल्कुल नहीं चाहिए जो किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार करता हो। सर मैं सॉरी बोल रही हूँ, एंड आई प्रॉमिस मैं दोबारा कभी ये हरकत नहीं करूँगी। आप प्लीज एक चांस दे दीजिए, मुझे जॉब से मत निकालिए। जब सॉरी बोलने की जगह माफी मांगना सीख जाओगी ना, तब वापस आ जाना यहाँ पर। जाओ अभी, निकलो निकलो यहाँ से। मैं तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा खाना लगवा दूँ। सुभाष जी सर, मैं के लिए खाना लाओ। ठीक है सर।